अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्किन का एक कॉमन प्रॉब्लम, सभी की स्किन पे होते हैं ओपन पोर्स और कुछ ज़्यादा ही प्रोमिनेंट होते हैं फेस पे, और ऑयली स्किन वाले जो हैं वो इन्हें ज़्यादा फेस करते हैं। आप किस तरह से लार्ज ओपन पोर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं और अपनी स्किन की अपीयरेंस जो है ऑल ओवर उसे कैसे अच्छा कर सकते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि ओपन पोर्स परमानेंटली ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता, आप इन्हें किसी हद तक कम कर सकते हैं। तो एलोवेरा जेल एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो एलोवेरा जेल कोई बेस्ट नहीं है। आप सिंपली अपने फेस को पहले वॉश कर लीजिए, डर्ट वगैरह रिमूव कर लीजिए, उसके बाद थोड़ी सी एलोवेरा जेल लेके उसे पैकेट की भी आप ले सकते हैं, अपने फेस पे अच्छी तरह से मसाज करें और 10 मिनट के बाद ठंडे पानी से वॉश ऑफ कर लें। अपने फेस को आपने पहले अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लेना है, और उसके बाद आपने एलोवेरा जेल जो है उसे अच्छी तरह से मसाज करना है, और 10 मिनट के बाद आपने ठंडे पानी से फेस को वॉश ऑफ कर लेना है। उसके बाद है टी ट्री ऑयल, आपने सिंपल 3-4 ड्रॉप्स लेने हैं टी ट्री ऑयल के, और एक साफ सुथरी शावर बॉटल लेनी है, उसमें आप 1 कप पानी डाल लें और एक मिक्सचर बना के रख लें, फ्रिज में रख लें ताकि ठंडा हो, और उसे दिन में 2-3 बार अपने फेस पे बस आप स्प्रे कर लें। इससे स्किन जो है वो मॉइस्चराइज भी रहेगी और ओपन पोर्स का जो प्रॉब्लम है वो भी इससे काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद है जी दही, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है और तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। ये स्किन को क्लीन करने के साथ साथ ओपन पोर्स को भी बहुत हद तक मिनिमाइज़ करेगा। आपने ठंडा दही लेना है तकरीबन 2-3 टेबल स्पून, और उसको इसी तरह से अपने हाथों की हथेलियों पे हल्का सा उसे मसल लें, और उसके बाद अपने फेस पे उसे जेंटली मसाज कर लें। 15-20 मिनट के बाद फेस को वॉश कर लें। फिर नेक्स्ट है लेमन जूस। लेमन जूस भी बहुत ही ज़बरदस्त है ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए। आपने 5-10 ड्रॉप्स लेने हैं लेमन जूस के, और उसे 2-3 टेबलस्पून पानी में ऐड करना है, ऐसे ही डायरेक्ट आपने अप्लाई नहीं करना फेस पे, और उसे तकरीबन 10-15 मिनट के बाद आप क्लीन कर लें। और इसके बाद जो है वो है कुकम्बर और रोज़ वाटर, बहुत ही रिफ्रेशिंग होते हैं, स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से रिफ़्रेश करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, ओपन पोर को मिनिमाइज़ करेगा। 15-20 मिनट के बाद आप अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त है ये रेमेडी भी। और इसके अलावा आप कर सकते हैं बेसन और हल्दी का इस्तेमाल। बेसन और हल्दी के साथ आपने लेना है दही और ऑलिव ऑयल, इन चारों चीज़ों को मिक्स करके आप एक अच्छा सा पेस्ट बना लें, और उस पेस्ट को अपने फेस पर अप्लाई करें, और 15-20 मिनट के बाद आप अपने फेस को वॉश कर लें। अगर आपको अपनी स्किन ड्राई फील हो तो आप मॉइस्चराइज़र जो है वो ज़रूर ट्राई करें। अगर इनमें से कोई सा भी एक इंग्रेडिएंट या कोई सा भी इंग्रेडिएंट आपको एलर्जी है उससे, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बेकिंग सोडा, और आपने जस्ट उसे पानी के साथ यूज़ करना है। आपने 2 टेबल स्पून के करीब बेकिंग सोडा लेना है, और उसमें आपने रोज़ वाटर या सिंपली वाटर ऐड करना है, और उसे अपने फेस पे जहाँ पे भी आपको ओपन पोर्स का ज़्यादा इशू है वहाँ पर अप्लाई करें, और सर्कुलर मोशन में ओनली 30 सेकेंड के लिए आपने इसे लगा के रखना है और फिर वॉश कर देना है। नेक्स्ट हम करेंगे पपाया का इस्तेमाल, यानी कि पपीते का इस्तेमाल ओपन पोर्स के लिए किस तरह से करना है। आपने पका हुआ पपीता लेना है, उसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है पील करने के बाद, और सिंपली उसका पेस्ट आपने अपने फेस पर जो है वो मास्क की तरह अप्लाई करना है, और 20 मिनट के बाद वॉश ऑफ कर लेना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ वो है एप्पल साइडर विनीगर, जो कि एक्नी को भी बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म करता है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि आप एप्पल साइडर विनीगर से या विनीगर से एलर्जिक तो नहीं है। इसके बाद है जी एग वाइट लेना है, और उसे अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है, और उसे आपने अपनी स्किन पे अप्लाई करना है, और उसे ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद आप सिंपली पानी से वॉश कर लें। आप एग वाइट के साथ ओटमील्स और लेमन जूस जो है उसे भी ऐड कर सकते हैं,
ये इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा ओपन पोर्स के लिए। नेक्स्ट है आइस क्यूब्स। आप सिंपली आइस क्यूब्स ले लें, उन्हें किसी भी कॉटन के अच्छे से साफ़ सुथरे से कपड़े में लपेटने के बाद ही यूज़ कीजिएगा, डायरेक्ट आप मत यूज़ कीजिएगा। टर्मरिक यानी कि हल्दी और रोज़ वाटर, इन दोनों का एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें और इसे आप ओपन पोर्स पर अप्लाई करें फेस पे, जिन एरियाज पर ज़्यादा चीक्स पर नोज़ पर अगर ओपन पोर्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पर एक कप थिक लेयर इसकी लगा दें और इसे ड्राई होने के बाद वॉश ऑफ कर दें। ओपन पोर्स के लिए ये एक स्क्रब है, लेकिन इसके लिए आपने पहले शुगर को बारीक पीस लेना है, आपने मोटी शुगर यूज़ नहीं करनी। आपने लेमन जूस, ब्राउन शुगर और शहद का एक पेस्ट रेडी करना है। फेस को नीट एंड क्लीन करने के बाद आपने सिंपली इस स्क्रब से हल्के हाथों से मसाज करना है फेस पे और थोड़ी देर के बाद उसे आपने वॉश कर देना है। राइस वाटर बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए, पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इस तरह से आप राइस क्यूब्स रेडी कर लें और उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं आप। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।